गाइस वेलकम बैक टू कार्स ब्लडलाइन यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रहमान और आज की सीडियो में चंगन और शान X7 का डेब्यू लेके हैं, जो कि पाकिस्तान में दो वेरिएंट्स में लॉन्च की गई है। एक 5 सीटर है जबकि दूसरी 7 सीटर है। 7 सीटर्स में आपको काफी फीचर नहीं मिलते जबकि 5 सीटर फुली लोडेड है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, आई होप यू लाइक इट। गाड़ी के फ्रंट पे आपको काफी बड़े साइज में सर्च वेव ग्रिल देखने को मिल जाती है, जो कि सी वेव से काफी इंस्पायर्ड है। फ्रंट पे कैमरास भी दिए गए हैं और अगर गाड़ी में कोई हादसा वगैरह होता है खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है। गाड़ी के फ्रंट लुक की बात की जाए तो काफी फ्यूचरिस्टिक है। गाड़ी के नीचे वाली साइड पे आपको LED लैंप्स दिए गए हैं, देखने में फॉग लाइट्स लगती हैं बट LED लैंप्स हैं ये। और ऊपर आपको DRLs दिए गए हैं, ये हेडलाइट की तरह लगती हैं बट। और पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं। गाड़ी के बोनट पे आपको काफ़ी खूबसूरत सी दो लाइनिंग्स देखने को मिल जाती हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। और गाड़ी के व्हील्स की बात की जाए तो आपको टर्बाइन स्टाइल में 19 इंचीज़ के अलॉय व्हील्स दिए गए और विद 225R19 टायर्स, और ये चाइनीज़ टायर्स हैं। और गाड़ी के साइड मिरर्स में आपको LED टर्न सिग्नल भी दिया गया और हीटेड भी हैं साइड मिरर्स। और ये टू टोन कलर्स में आते हैं विद पियानो ब्लैक। गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, अगर आप 7 सीट्स वाला वेरिएंट लेते हैं तो आपको लेग रूम काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा और 5 सीट्स में आपको ट्रंक स्पेस काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगी। गाड़ी के डॉट्स के साइड्स पे आपको काफ़ी खूबसूरत ही क्रोम की लाइनिंग देखने को मिल जाती है और गाड़ी के रूफ पे आपको रूफ रिल्स भी मिल जाती हैं। गाड़ी में मैचिंग डोर हैंडल्स दिए गए हैं विद कीलेस एंट्री। रूफ पे आपको शार्फिन एंटीना भी देखने को मिल जाता है। हाई माउंटेन ब्रेक लाइट भी दी गई है, बैक पे वाइपर भी दिया गया। बैक से ये गाड़ी काफ़ी बल्की लुक प्रोवाइड करती है, अगर इसको कंपेयर किया जाए फॉर्चुनर से तो इसकी विड्थ फॉर्चुनर से भी ज़्यादा है। गाड़ी में लावा लाइट्स दी गई हैं और नीचे आपको क्रोम की लाइनिंग देखने को मिल जाती है, जो कि गाड़ी की लुक को और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रही है। इधर आपको X7 का लोगो दिया गया और बैक पे आपको रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं और ये जो दो एग्जॉस्ट आपको नज़र आ रहे हैं ये फेक एग्जॉस्ट है। इसमें एक साइलेंसर दिया गया जो कि नीचे वाली साइड पे है। गाड़ी में ब्लू कोड का इंजन दिया गया जो कि 1500 cc है, 185 हॉर्स पावर है, 300 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 1.5 कैटेगरी की जितनी भी SUVs पाकिस्तान में आती हैं उन सबसे ज़्यादा है। गाड़ी की बूट स्पेस की बात कर लीजिए तो 1407 लीटर बूट स्पेस है इसकी। और इधर आपको जैक वगैरह भी दिया गया और गाड़ी के नीचे वाली साइड पर आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। गाड़ी का इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम लुक प्रोवाइड कर रहा है, इसमें आपको 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं, डार्क ग्रे, पियानो ब्लैक और वाइट, जो कि काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड कर रहे हैं। और गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील आपको डी शेप में मिल जाता है जैसे कि एल्समैन में। गाड़ी की सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल हैं। इसमें आपको 7 इंचज का LED मीटर दिया गया जो कि स्पोर्ट्स मोड में रेड हो जाता है जबकि नॉर्मल, कम्फर्ट और इको में ब्लू हो जाता है। और इसमें आपको फ्यूल एवरेज और बाहर के टेम्परेचर वगैरह पता लगता रहता है। स्टेयरिंग व्हील पे आपको क्रूज़ कंट्रोल्स और मीडिया कंट्रोल्स के बटन्स मिल जाते हैं, आप मोड्स वगैरह भी स्टेयरिंग व्हील से एडजस्ट कर सकते हैं। 10.25 इंचज की LED यूनिट दिया गया इसमें, आप इसको मोबाइल के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास iOS है तब भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड है तब भी कर सकते हैं। और ये 360 व्यू भी प्रोवाइड करती है जबकि 7 सीटर में ये फीचर नहीं है। इसके LED यूनिट से आप विंडोज़ के भी कंट्रोल्स कर सकते हैं, इसको ड्राइविंग मोड्स में भी चेंज कर सकते हैं। ये स्पोर्ट्स मोड में इसका स्टीयरिंग थोड़ा हार्ड हो जाता है, इसको आप अपने मुताबिक कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नीचे वाली साइड पर आपको एक टच पैनल दिया गया जिधर से आप AC के कंट्रोल्स और हैज़र्ड वगैरह ऑन कर सकते हैं। ये मैंने AC की स्पीड डाउन की अभी। अगर आप वेलकमिंग ऑप्शन को एक्टिव करना चाहते हैं तो आप एक्टिव कर सकते हैं ईजीली, अगर आप गाड़ी के पास आएंगे तो ऑटोमेटिकली गाड़ी खुल जाएगी। काफ़ी फीचर्स हैं गाड़ी में। इधर आपको हीटेड सीट्स की ऑप्शन मिल जाती है, वेंटिलेटेड की ऑप्शन मिल जाती है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन मिल जाती है, डाउन हिल असिस्टेंट मिल जाता है, मिरर एडजस्टमेंट और हेडलाइट एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिल जाती है। इधर आपको इलेक्ट्रॉनिक सीट्स एडजस्टमेंट के बटन दिए गए हैं, पावर विंडोज़ के कंट्रोल दिए गए और पियानो ब्लैक का टच दिया गया। और इधर आपको बोतल होल्डर मिल जाता है, इधर आप काफ़ी कुछ रख सकते हैं और ओशान के स्पीकर दिए गए हैं। और इस साइड पे भी आपको ड्राइव मोड्स के बटन मिल जाते हैं और हीटेड सीट्स के बटन मिल जाते हैं। और इस साइड पे आपको ऑटो होल्ड का बटन मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक दी गई है
और आर्म रेस्ट में काफ़ी स्पेस है। आप मोबाइल भी चार्जिंग पे इधर लगा सकते हैं, चार्जिंग सॉकेट्स भी दी गई। इसमें आपको गियर नूब काफ़ी स्टाइलिश सी देखने को मिल जाती है और कप होल्डर्स मिल जाते हैं इधर। और सनग्लासेस होल्डर मिल जाते हैं इधर। इधर आपको पैनोरामिक रूफ के कंट्रोल्स और लाइट्स के बटन मिल जाते हैं। आपको इस साइड पे भी मिरर दिया गया और ऊपर लाइट भी दी गई है। गाड़ी में चार एयरबैग्स दिए गए हैं और बैक सीट्स पे भी एसी इवेंट्स मिल जाते हैं। आपको चार्जिंग सॉकेट्स मिल जाती हैं और अगली सीट मैंने फुल पीछे की हुई और मैं इजीली बैठा हूँ। आई एम 6 फुट टॉल। 7 सीटर वाले वेरिएंट में आपको बैक सीट्स पे भी काफ़ी स्पेस मिल जाती है, दो एडल्ट्स भी आराम से बैठ सकते हैं।